तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा ए क्वाइट प्लेस मूवी के बारे में। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन जो है वो 2018 में आया था, पार्ट टू 2020 में आया था। और जब मैंने इसका पार्ट वन देखा था तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने इसका रिव्यू नहीं किया। और जब मैंने इसका पार्ट टू देख लिया तो मुझे लगा कि हाँ, अब इस बार में दोनों ही पार्ट टू, मतलब कि पार्ट वन और पार्ट टू, इन दोनों ही पार्ट के बारे में बात कर लेंगे। सबसे बढ़िया बात पार्ट टू की मुझे यह लगी, हाँ अभी थोड़ी देर में पार्ट वन पे भी आते हैं। जब मतलब कि अभी पार्ट टू देखा तो उसके बारे में इच्छा हो रही कि सबसे पहले उसके बारे में बात। जब मैंने पार्ट टू देखा तो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि जहां पर पार्ट वन खत्म होता है वहीं से, एग्जैक्ट वहीं से, 1% भी चेंज नहीं किया गया, एग्जैक्ट वहीं से पार्ट टू स्टार्ट होता है। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि सेकंड मूवी स्टार्ट हो गई है। मुझे तो इवन ये लगा कि यार हां, इसके मेकर्स ने एक ही मूवी बनाई थी, फिर उनके मन में आया कि हां इसको दो मूवीज में डिवाइड कर देते हैं और कहीं से उन्होंने बीच में उठा के काट दिया। यार मजाक कर रहा हूं मैं। ओके, दोनों पार्ट्स की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट वन के बारे में बात करेंगे। तो अचानक से एलियंस आ जाते हैं। अब कहां से आ गए ये इसमें नहीं दिखाया गया, और ये एलियंस देख नहीं सकते लेकिन सुन इतना ज्यादा सकते हैं कि एक सूखे हुए पत्ते के ऊपर अगर किसी ने कदम रख दिया, पैर रख दिया, तो उसकी कड़कड़ाहट से ये एलियंस वहां पर पहुंच जाएंगे और उसको वो मार देंगे। और यही चीज जो है इनको और ज्यादा खूंखार और इस मूवी को डरावना बना देती है। अब यहां पर एक फैमिली दिखाई गई है, वो जैसे तैसे इन एलियंस के बीच में रहना सीख लेती है, मतलब बहुत चुपचाप। देखो यार, ये वाली जो चीज है ना, काफी ज्यादा पसंद आती है कि अब ऐसे हालात हो गए, इंसानों की संख्या कम हो गई है क्योंकि एलियंस इनको मारना शुरू कर दिया है। वो शोर कर रहे हैं, एलियंस को शोर पसंद नहीं है, शोर जैसे ही होता है वो वहां पर पहुंच के उनको वो मार देते हैं। अब इस हालात में इंसान अपने आप को कैसे ढालता है ये देखने में बड़ा मजा आता है। अब ये जो फैमिली है अपने आप को इस हालात में ढालना सीख लेती है और एलियंस से बचना सीख लेती है। अब लेकिन होता है ना, सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है, अप एंड डाउन तो आएंगे ही। अब मूवी को आगे तो बढ़ाना है, जनता को एंटरटेनमेंट करना है, नहीं करना तो अब अप एंड डाउन होते हैं। खैर, वो क्या अप एंड डाउन होते हैं वो तो जब आप मूवी देखोगे तब पता चलेगा। और ये जो फैमिली है इसमें से एक सदस्य कम हो जाता है, खैर ये वाली चीज जो है वो इमोशनल कर देती है। अब वो कौन सा सदस्य है जो कम हो जाता है वो अगेन आप जब ये मूवी देखोगे तभी पता चलेगा, मैं सारी चीजें नहीं बताने वाला हूं। अब सेकंड पार्ट भी इसी फैमिली के बारे में है। ये फैमिली जहां पर मैंने कहा ना, जहां पर पार्ट वन खत्म होता है एग्जैक्ट वहीं से पार्ट टू स्टार्ट होता है। अब यहां पर भी अगली मूवी के अंदर भी, यानी पार्ट टू के अंदर भी, फैमिली जो है वो सर्वाइव कर रही है, एज जैसे कि हमने देखा पार्ट वन के अंदर सर्वाइव करते हुए, मतलब जैसे मैंने बताया। मूवी की जैसी स्टार्टिंग होती है तो इसके अंदर इंटरेस्ट बनना ही है, क्योंकि जैसे कि इसका एक टॉपिक है वो एक यूनिक सा हमें देखने को मिलता है। ये एलियन जो है इनको सुनाई नहीं देता और जैसे इनको शोर होंगे ये वहां पहुंच जाएंगे, मार देंगे। अब इंसान अपने आप को कैसे बचाएंगे, ये जो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है ना, एक नया कॉन्सेप्ट है, तो हमारा इंटरेस्ट इसमें बन जाता है कि यार हाँ यार, इंसान कैसे अपने आप को ढाल रहा है इसके अंदर, कैसे इनको मारेगा, कैसे ये क्रिएचर है। तो ये चीज देखने में काफी अच्छा लगता है, तो इंटरेस्ट ऑब्वियसली इसके अंदर बनना ही है। और इनको जो ना सुनने वाली जो चीज है, मारने वाली है, एकदम झटके से मार देना, ये ऐसे तड़पा तड़पा के नहीं, एकदम झटके से मार देते हैं, कभी कहीं से आ जाएंगे, तो ये जो चीज इनको और ज्यादा हॉरिफिक बनाती है। अब जितनी भी हॉरर मूवी होती है जैसे उसके अंदर हमें डराने की कोशिश की जाती है, हाँ एकदम से कोई अजीब चीज सी शक्ल वाली औरत हमारे सामने डाल दी जाती है, ओ डर जाएंगे इससे, या उससे थोड़ा बहुत कम डर लगता है, इवन उसे अब तो डर भी नहीं लगता। लेकिन इस मूवी में सच में इनके दोनों पार्ट्स में डर का एहसास होता है। यार कुछ कुछ सीन तो ऐसे थे कि जिसके अंदर सांसें रुक जा रही थी और हम भी ऐसे फील कर रहे थे यार अब क्या होगा इसके अंदर, अब ये अपने आप को कैसे बचाएंगे। और जब ये मूवी खत्म हुई लिटरली मैं ना अपनी चीजें भी बड़ी ही आराम से रख रहा हूं, यार कोई चीज आ ना जाए, मतलब ना आने का डर नहीं था, मतलब वो जो मूवी देखने के बाद अंदर से होने लगा यार, इतना अफेक्ट पड़ा कि चीजों को भी बड़े आराम से खोल रहा हूं, उसको रख रहा हूं, कहीं शोर ना हो जाए, मतलब समझ रहे हो ना तुम। और जब सेकंड पार्ट का स्टार्ट होता तो उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत ये दिखाया जाता है कि एलियंस आ रहे हैं, आसमान से एक चीज गिरती हुई दिखाते हैं, लेकिन उसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिखाया जाता। फिर अचानक से एलियन सबको मारना शुरू कर देते हैं। देखो यार, मैं पर्सनली चाहता था, मेरा मतलब इच्छा हो रही थी इनके बारे में थोड़ा और बताएं, क्योंकि इसकी जो लेंथ है सेकंड वाली मूवी की वो बहुत कम है, 1.5 घंटे के करीब है, तो इच्छा थी कि यार थोड़ा बहुत इसके अंदर थोड़ा और लेंथी हो जाए, हमें अच्छा लग रहा था। वास्तव में कब ये टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता, इतना ज्यादा हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जो एलियंस है वो इतने ज्यादा पावरफुल है भाई साहब, इनको मारना इतना आसान नहीं होता, ऊपर से ये तेज बहुत है, लेकिन इनकी कमजोरी भी है कि इनके साउंड इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और इस मूवी को हॉरिफिक एक और चीज बनाती है, इसमें जो बच्चे दिखाए गए, इवन एक छोटा बच्चा 3-4 महीने का बच्चा है, अब वो कभी भी रोना स्टार्ट कर देगा। अब सोचो यार, कहीं से भी छोटी सी, मैंने कहा ना एक पत्ते के ऊपर अगर आपने पैर रख दिया उसकी कड़कड़ाहट से, ये तभी की तभी तुरंत वहां पहुंच जाएंगे, इतनी तेज स्पीड है। अब सोचो एक बच्चा रोना स्टार्ट कर रहा है, ऑब्वियसली वो
सुनते ही फट दनी वहां पर आएंगे। अब ये अपने आप को कैसे इसको बचाएंगे, कैसे उस बच्चे को चुप करवाएंगे, ये जो चीज देखोगे ना वास्तव में बहुत मजा आने वाला है। छोटी छोटी चीजें इसके अंदर हैं जैसे इस मूवी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं। फर्स्ट मूवी की एंडिंग बहुत बढ़िया मुझे लगी, इवन सेकेंड मूवी के अंदर जो चीजें हमारे सामने रखी गई थी उनके पीछे मकसद था कि ये चीज क्यों रखी गई है। खैर ये बात जो मैं बोल रहा हूं जब आप ये मूवी देखोगे तब समझ पाओगे कि मैं एक्चुअल में बात क्या कर रहा हूं। और इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज्यादा थी, जिसमें दो जो टीनेजर हैं उनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। हाँ बाकी के जो करेक्टर हैं उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, लेकिन जो टीनेजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पर्सनली यार मुझे मतलब बढ़िया लगी यार। उनका जैसे रिएक्शन था, एक्सप्रेशन थे, वो बहुत बढ़िया थे। तो मेरी तरफ से फर्स्ट मूवी को मैं देना चाहूंगा 8/10 स्टार, सेकंड मूवी को सेम 8/10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी। अगर जिन्होंने नहीं देखी तो आपको सच में हॉरर वाला एक फील मतलब अनुभव करना है कि हॉरर कैसा होता है, कि एकदम से अचानक से एलियन आ रहे हैं, ये सामने मार देंगे। वास्तव में एक ऐसा नहीं होता भूत से डर लगे, नहीं यार, हॉरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए, वो इस मूवी में है, अच्छे से बखूबी से दिखाया गया। तो आपको अगर हॉरर देखना है तो ये मूवी आप देख सकते हो। वॉयलेंस है इसके अंदर तो बच्चे इससे दूर ही रहें। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।